दिन भारतीय किसानों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत तक के किसान आज आंदोलन में शामिल हैं। पर यहाँ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन किया जा रहा है। किसान ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया गया है। हम अभी मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर और ऐसे ही सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर भी देश भर से, खासकर की पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ पर मौजूद हैं। इस परेड को करने में बहुत ही जद्दोजहद लगी है। किस तरह से पुलिस ने पहले रूट बदला था और फिर दिल्ली पुलिस को और केंद्रीय सरकार को किसानों की मांगों के आगे झुकना पड़ा और इस ट्रैक्टर परेड की अनुमति उन्हें देनी पड़ी। और यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये ट्रैक्टर परेड शुरू की जाए। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और आरएएफ की फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि किसान उसी रूट पर रहें जो उन्हें बताया गया है। यहाँ पर अपील्स की जा रही हैं कि शांतिपूर्वक इस ऐतिहासिक परेड का आयोजन किया जाए और केंद्र सरकार तक एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज दिया जाए कि किस तरह से गणतंत्र देश के लोगों का है, देश के किसानों का है और मजदूरों का है और नेताओं का और उनकी नीतियों का नहीं। दुनिया का इतिहास का पहला ही दिन होगा कि 26 जनवरी 1921 नू एक बहुत इतिहासक इस लोकतंत्र वाले देश दे विच जिन्हां नू किसानां नू परेड दे विच इत्थों दी सरकार ने जाण वास्ते मना कीता होया, असीं अपने संघर्ष दे सदका दिल्ली विच एंटर करन दी जिहड़ी हैगी आ इतनी की हजे इजाजत मिली आ। सो असीं इस नू लोकतंत्र नहीं मानते, इस लिए जिहड़ा हैगा वी बहुत शांतिपूर्ण पीसफुल जिहड़ा हैगा वलंटियरां दी असीं 2-3 दिन हो गए उन्हां की सिखलाई दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जिहड़ा ये साडा परेड आ वाहिगुरू। टिकरी में कैसी तैयारी हुई है? टिकरी की बात ही करता हूँ मैं, टिकरी से वलंटियरों की 3-4 दिन हो गए असं इनकी ट्रेन करा रहे हैं, इनको सिखलाई दे रहे हैं कि किसी से भी कोई कौड़ा कड़वा शब्द ना बोलो, हाथ बन के बेनती करो। ये साडा जिहड़ा अंदोलन आ वाहिगुरु परमात्मा गौरव अगे भी असं यही अरदास करांगे कि साडा जिहड़ा अज वाला जिहड़ा हैगा ट्रैक्टर परेड आ वो पूरा शांतिपूर्ण रहे, इहदे विच कोई भी हिंसा ना होवे। जो मोदी सरकार ने काले कानून हमारे ऊपर लगाए, थोपे गए हैं, लगाए क्या हैं, तो उन कानूनों को हम वापस करवाना चाहते हैं और मोदी सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी किसान एकता इतनी है कि मोदी को देख करके झुकना पड़ेगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से किसानों का जो संघर्ष चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चे वालों, तो वो फैसले मुताबिक अज किसान गणतंत्र दिवस की परेड करनी आ, वास्ते साड़ियाँ तैयारियां बहुत ज़्यादा। तो आले दुआले देखता कि किन्ने भीड़ उमड़ी हुई आ, तो औरतों भी ये वड्डी गिनती दे विच आईयां ने, बैरीकेड लगे हुए आ, तो जनता नू बड़ी काली आ भी छेती छेती असी बैरीकेडा तो पार करके ते अगे जाइए। सो इस करके हुण असी जावांगे, तो मोदी सरकार नू समझ लेना चाहिए कि अज किन्ने साड़ी भी गिनती नहीं भी किन्ने लख ट्रैक्टर ने ते करोड़ों लोग आ गए ने, पूरी दुनिया दी नज़रां अज दे संघर्ष के उत्ते लगियां। असीं अपील यही बार बार की है, तो करांगे कोशिश साड़ी यही रहनी है, तो असीं बिल्कुल शांतिपूर्वक परेड करांगे। तो मोदी सरकार नू समझ लेना चाहिए कि एक लोक लहर बन चुकी आ, तो ये काले जिहड़े खेती संबंधी कानून है उन्हां नू रद्द कराए बिना ठलणी नहीं, इस करके उन्हां नू इहनूं नू रद्द करन दे छेती सोचना चाहिए। देखिए, हमारा जो प्लान था कि हम लोग दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर मार्च करेंगे, बहुत सफल ट्रैक्टर मार्च हुआ और सबसे बड़ी बात ये रही, लाखों ट्रैक्टरों का स्वागत जो है दिल्ली की जनता ने दिल खोल के किया। हम जिस रास्ते गए उस रास्ते दिल्ली की आम जनता ने फूलों की बारिश की, यानी कि दिल्ली भी हमारी है और दिल्ली की जनता भी हमारी है। अभी पुलिस ने बैरिकेडिंग करके हमारे जो जनसमूह था, जो ट्रैक्टर मार्च था, उसको 3 जगह रोकने का प्रयास किया। दोनों बॉर्डरों पर जनता की राय के अनुसार, किसानों की राय के अनुसार, पहले हमने टिकरी बॉर्डर पर सबसे पहले हमारे साथियों ने जो बैरिकेड्स थे वो तोड़े, उसके बाद सिंधु बॉर्डर के साथी भी बैरिकेड्स तोड़ चुके हैं। अभी हमारा विचार है, जितने भी हम लोग हैं,
हम लोग आगे रिंग रोड पर जाकर वहाँ पर बैठेंगे ताकि हमारा इंतज़ार जो है हमारे साथी सिंधु बॉर्डर से आ रहे हैं वो भी आके हमें मिले वहाँ पर, और जो पीछे नांगलोई के हैं वो भी निश्चित तौर पर बैरिकेड तोड़ के आ रहे हैं। कह रही है कि आपको नजफगढ़ की साइड से जाना था और कुछ लोग लेकिन यहाँ पर आ गए हैं। नजफगढ़ की साइड से जाना था, नेताओं की वार्ता हुई, बिल्कुल सही बात, लेकिन जो जनता का मूड है, जो किसानों का मूड था कि दिल्ली हमारी है, हम आउटर दिल्ली के अंदर घूमने के लिए पंजाब से, हिमाचल से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से जो ट्रैक्टर आए हैं करोड़ों का तेल जलाकर, उन जनता ने फैसला किया कि हम गांवों के अंदर नहीं जाएंगे। गांव तो हमारे हैं ना, हम दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली हमारी है, दिल्ली के लोग हमारे हैं। तो इन लोगों ने फैसला किया और फैसले के अनुसार हमने बैरिकेड, 4 बैरिकेड तोड़ते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी बैरिकेड्स मिलेंगे तो निश्चित तौर पर किसान तोड़ेंगे। तो साढ़े मुंडिया से एसयूवी से गोले छिटे हैं, 2-3 के मत्थे च भी लगे हैं, तो लाठीचार्ज भी किया है। असं हाथ भी बन्ने उन्होंने मुहरे, भाई साढ़े राह च रोड़ा ना बनो, सानू अपना काम आपदे तरीके नाल करन दिओ। आज पूरे दिल्ली भर में प्रदर्शन हुए, किसानों ने अलग अलग बॉर्डर्स पर सिंघू, टिकरी, गाजीपुर, शाहजहानपुर जैसी जगहों पर प्रदर्शन किए और सुबह एक पीसफुल, ऑर्गेनाइज्ड, कोऑर्डिनेटेड फार्मर्स मार्च निकला। उसके बाद दोपहर को कई वजहों से, जैसे कि रूट शिफ्टिंग में और बैरिकेडिंग की वजह से, कई जगह पर पुलिस ने फार्मर्स पर क्लैम्प डाउन किया, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉलीटाइल माहौल बन गया, टेंशन का माहौल रहा था पूरी दोपहर भर। अभी हम खड़े हैं, शाम हो चुकी है, हम खड़े हैं नांगलोई पर, जो है टिकरी बॉर्डर के करीब। यहाँ से जो टिकरी का जत्था आया था वो यहाँ से होकर के गुजरा था, यहाँ पे जो जत्था था वो टुकड़ियों में बट गया। कुछ लोग जो हैं वो आउटर रिंग रोड से होते हुए लाल किले की तरफ उन्होंने कूच किया, जबकि काफ़ी यूनियंस जो हैं वो यहाँ पर फंसे रह गए। और उसके बाद ब्रूटल क्लैम्प डाउन जो है दिल्ली पुलिस का देखने को मिला। वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जो सिर्फ अपना जत्था निकालना चाह रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज किया और टियर गैस भी बरसाए। और ये अभी तक यहाँ पर चल रहा है, शाम भर यहाँ पर चल रहा है। और उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री का एक डायरेक्टिव आता है जो ये कहता है कि सारे इंटरनेट कनेक्शंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा, खासकर कि इन एरियाज़ में। और ऐसा भी लग रहा है कि फ़ोन कनेक्शंस भी यहाँ पर सस्पेंड होने वाले हैं। और टेंशन का माहौल अभी भी यहाँ पर है, काफ़ी आक्रोश है फार्मर्स में, जो सिर्फ और सिर्फ लाल किले तक पहुँचना चाहते थे या दिल्ली में परेड करना चाहते थे और अपनी मांगे सरकार के सामने रखना चाहते थे, उनकी चुप्पी पर सवाल उठाना चाहते थे, पर उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ पर कंटेन करने की जो कोशिश की जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा।